अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पीटा ब्रेड की रेसिपी। पीटा ब्रेड हम लोग बहुत जगह पर यूज़ करते हैं, शॉर्मा में, शॉर्मा सैंडविच में, पिज़्ज़ा सैंडविच में और भी बहुत सी जगह पर हम पीटा ब्रेड यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ यही रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक बड़ा बॉल और इसके अंदर मैं डालूँगी 4 कप मैदा। देन मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून शुगर एंड 1 टेबल स्पून यीस्ट यानी कि हमीर। और इसके बाद मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। मैं इन सब चीज़ों को गूँधूँगी, पहले तो मैं इसमें ऑयल में गूँधूँगी और आप चाहें तो मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। देन मैं इसको गूँधती जाऊँगी, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और बिल्कुल जैसे नॉर्मली हम आटा गूँधते हैं उसी तरह से हमने इसे गूँध लेना है। उसके बाद हमने इसे 1 to 2 आवर्स के लिए रेस्ट पर रखना है। 1 आवर के बाद ही मेरी जो डो थी वो देखिए इस तरह से हो गई है, राइज हो गई है ये, और ये तकरीबन डबल हो गई है। तो मैं इसको पहले तो इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे यहाँ से बाउल में से निकाल लूँगी। इकट्ठा करके इसे मैंने निकाला है, फिर मैंने कुछ फ्लोर मैंने इसके ऊपर डस्ट किया है। उसके बाद मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर मसल लूँगी ताकि ये ठीक हो जाए। फिर मैं इसको करूँगी पीसेस में कट, जितनी पीटा ब्रेड मैंने बनानी है उसमें छोटे छोटे पीसेस मैंने कट किया है क्योंकि हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखते हैं, पीटा ब्रेड का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखते। फिर मैं इसके पेड़े किए हैं और इसको मैं देखें इस तरह से इसकी छोटी छोटी ब्रेड बना ली है। और इसको हमने बेक नहीं करना, इसको मैं बनाऊंगी तवे के ऊपर। तो मैंने तवे के ऊपर एक डाल दिया और आप देखिएगा कि ये मैंने डाली तो पतली थी लेकिन ये ऐसा ऐसा फूलती जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर डाला था यीस्ट जिसकी वजह से ये राइज़ होती जाएगी, फूलती जाएगी। जी हमारी पीटा ब्रेड रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।